ये इक्विटी इक्विटी पे ही मेजरली सबका थ्रस्ट रहता है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि जब भी बाजार गिरे तो हम इक्विटी से थोड़ा डेट पे स्विच कर जाए, एटलीस्ट तब तक बाजार का तूफान थम जाए फिर वापस इक्विटी पे आ जाए, क्या ये कर सकते हैं क्या? नहीं सुमित जी, आई थिंक बाजार गिरने पे आपको उल्टा करना चाहिए, अच्छा क्योंकि रीबैलेंसिंग, देखिए अगर आपने 50 रुपए इक्विटी में लगाए, 50 रुपए डेट में लगाए, और ये आपका निर्णय है कि 50-50 करूंगा, अगर मार्केट 20% गिर जाती है तो आपके जो 50 रुपए डले हुए हैं इक्विटी में वो 20% से घट के 40 रुपए हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है डेट की मात्रा, डेट तो गिरेगा नहीं, तो आपके अब कुल मिला के 90 रुपए में 40 रुपए इक्विटी में है और 50 रुपए डेट में है, तो आपको अगर 50-50 वापस करना है अपने जो बचे हैं 90 रुपए, उसमें आपको 45 रुपए इक्विटी में रखने और 45 डेट में रखने, तो आपको 5 रुपए डेट से निकाल के इक्विटी में डालने हैं, इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। ये रीबैलेंसिंग अगर आप हमेशा करते जाएं तो जाहिर सी बात है कि आप नीचे में खरीदेंगे और ऊपर में बेचेंगे, तो आपको मार्केट टाइमिंग ना करते हुए रीबैलेंसिंग करना है, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है ऊपर के स्तरों पे और नीचे के स्तरों पे इक्विटी खरीदी जाती है, तो अगर आप ये रीबैलेंसिंग का मंत्रा हर रिटेल निवेशक या हर HNI भी करें तो उससे 10 सालों में काफी फायदा होता है।